मध्य प्रदेश के सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कपुर्दा माई के दर्शन कर पेंच नहर कार्य का किया निरीक्षण किया। बुधवार 22 नवंबर को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कपुर्दा माई के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दिनेश राय मुनमुन ने श्री षष्ठी देवी सिद्धपीठ कपुर्दा मंदिर पहुंचकर माई के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और माता रानी से सभी के सुख समृद्धि की मंगलमयी कामनाएं किया। इसके पश्चात मुनमुन राय ने कपुर्दा में चल रहे पेंच नहर के कार्य का निरीक्षण किया तथा सिंचाई के लिए शीघ्र नहर में पानी छोड़ने को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा किया। क्योंकि दो चीजें यहाँ देखने में मिल रहा है, इनका जो बाल कंक्रीट का खड़ा कर रहे हैं इसमें काफी टाइम लगेगा, इसको बाईपास इसको बाजू से नहर काट रहे हैं। ये कहते हैं ठेकेदार हम 25 तक काट देंगे। अभी से हमारे यहीं से भी बात हुई, श्रीराम जी से भी, सी साहब अशोक डेरिया जी से भी बात हुई, उनका कह रहा 25-26 हमारी नहर खोल दी जाएगी। हमारे दोनों कलेक्टरों का डिसीजन है, सिवनी और नरसिंहपुर का, जो छिंदवाड़ा जिले की खोलना है और हमारे जिले का। हम उम्मीद करते हैं 27 तक हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं यहाँ पानी आएगा और 30 तक हमारे जिले में 30 और 1 तक पहुँचेगा। उम्मीद लगा रहे हैं कि 1 तारीख तक सिवनी में पहुँचे। हो भी सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन पानी अब खोलने की स्थिति में बनेंगे। कहीं ना कहीं विभाग का डिसीजन लेट हुआ है, डिसीजन भी लेट है, ठेकेदार का भी काम लेट है। ये दोनों वजह से हम मानते हैं कि ये काम चुनाव को भी मद्देनजर हम लोगों का भी इस तरह से ज़्यादा ध्यान नहीं गया चुनाव के कारण, और तो जैसे फुर्सत हुई तो आज इस पोजीशन में आए, प्रयास कर रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं प्रशासनिक रूप से भी और आधिकारिक रूप से कि किसी भी तरीके से हमारे किसानों को समय पानी मिले। वैसे भी हम लेट हैं, पिछले बार भी 27 नवम्बर को ही पानी खुला था और उसी डेट में इस बार भी खोलने जा रहा था, हम नहीं मानेंगे कि ज़्यादा लेट है, लेकिन किसानी के हिसाब से लेट है। किसान जो चाहता समय पानी मिले उस हिसाब से हम 10-15 दिन लेट। प्रति वर्ष आपके अनुसार यहाँ आकर काम को तेजी दी जाती है और जब भी पानी छूटा जाता है? नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इन चीजों को देखूं समझूं, क्योंकि मेरी जवाबदारी भी बढ़ती है कि मुझे करवाना चाहिए काम समय पे हो। कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर हम ये कर नहीं पाए जी।